नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नज़र कोहराम झटपट। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक चलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन कोरोना पॉजिटिव, अरुण सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार। जमशेदपुर में 5 बदमाश धराए, गैंगरेप के बाद प्रेमी को पीट कर छीन ली थी बाइक। रांची में जेल जाने से पहले कैदी खेलगांव में होंगे क्वारंटीन, निगेटिव होने के बाद ही जाएंगे होटवार। मुरी में बंगाल के व्यवसायी को लूटने की बना रहे थे योजना, पुलिस ने 5 को खदेड़ कर पकड़ा। देवघर में शुरू होगा होटल आइसोलेशन, कोरोना को लेकर उपायुक्त ने लिया फैसला। नगर विकास विभाग के सहायक निदेशक मेघना रूबी कच्छप की मौत, कोरोना से थी संक्रमित। 29 अप्रैल तक बाबा धाम में श्रद्धालुओं की नो एंट्री, कोरोना को लेकर प्रशासन का फैसला। रांची में दिन दहाड़े पार्किंग से बाइक ले उड़े चोर, वारदात सीसीटीवी में कैद। चाईबासा में महाराज प्रमाणिक दस्ते का सुखराम धराया, माओवादियों को पहुंचाता था राशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोविड पॉजिटिव हुए, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। यूपी हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अब लगेगा सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन। भागलपुर में 2 बालू व्यवसायियों को भूना, वर्चस्व की लड़ाई में चली गोली। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित, मुख्यमंत्री ने खुद को भी किया क्वारंटीन। मोदी सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल, बोले चुनाव जीतने जैसा जुनून कोरोना से जंग के लिए क्यों नहीं। यूपी लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाए घर, अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश। यूजीसी नेट की भी परीक्षा स्थगित, एनटीए ने जारी किया नोटिस। अब सेना अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे आम आदमी, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। लालू को जेल से बाहर आने के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, 25 अप्रैल तक अदालत से दूर है वकील। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।